हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल रामगढ़ टेक में। दोस्तों, यह वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है झारखंड के उन सभी निवासियों के लिए जो अभी यहां पर रह रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं, थोड़ा सा झारखंड के निवासी को यहां पर दुख भी होने वाला है, क्योंकि यहां पर झारखंड के निवासी लोग के लिए बैड न्यूज़ निकल कर आया है। और जो बाहरी लोग यहाँ पर बसे हैं, जो बाहर से आकर बसे हैं, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ निकल कर आया है। क्योंकि यहाँ पर अपडेट में बताया जा रहा है कि अब झारखंड की सभी सीटें होंगी रिजर्व। तो नौकरी पाने के लिए जितनी भी यहाँ पर सीट निकाली जाती है झारखंड में, सभी सीटें रिजर्व होगी। और साथ ही साथ झारखंड वासियों के लिए बुरी खबर है और बाहर वासियों के लिए अच्छी खबर निकल कर आई है। तो झारखंड की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट निकाला गया है, जिसमें यह अपडेट में बताया जा रहा है कि झारखंड का सभी सीट जो है रिजर्व कर लिया जाएगा। तो क्यों करा जाएगा, क्या नियम निकल कर आया है, एक बहुत ही बड़ा नियम झारखंड सरकार की तरफ से बनाया गया। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं। अगर आप झारखंड वासी है या फिर आप बाहर के कैंडिडेट है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बाहर के कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर खुशखबरी निकल कर आया। तो चलिए, क्या खबर निकला पूरा डिटेल में देख लेते हैं। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करें और बेल का आइकन ऑन करें, ताकि जो भी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहां पर आप देख सकते हैं, हम जो है jssc.nic.in के वेबसाइट में आ चुके हैं, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में आ चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस डाला गया, आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग रेसिडेंशियल एंड कास्ट सर्टिफिकेट। रेसिडेंशियल एंड कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर यहाँ पर कुछ अपडेट निकाला गया है। तो चलिए हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं। तो ये वो एडवर्टाइजमेंट है जो आपके सामने खुल चुका है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से निकाला गया, जिसमें हम आपको आज बताने वाले हैं कि झारखंड में जो 10 साल से रह रहे हैं बाहर के निवासी, उनके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी निकल कर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या खबर निकला, चलिए हम आपको पहले पढ़ के बताएंगे, फिर आपको हम समझाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर अपडेट में जो बताया गया, कर्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प में संख्या 8468 दिनांक 20/11/18 के द्वारा राज्य के 13 अनुसूचित जिलों तथा 11 गैर अनुसूचित जिलों के समूह खा के राजपत्रित पद, समूह गा एवं समूह घा के सभी पद पर नियुक्ति हेतु अगले 10 वर्ष तक संबंधित जिला के स्थानीय निवासी को ही प्रमाण पत्र माना जाएगा, तथा राज्य स्तरीय उपायुक्त समूह के पद पर भविष्य में होने वाली नियुक्ति हेतु झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी को ही पत्र माने जाने के प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अपडेट में यह बताया जा रहा है कि जो झारखंड में ग्रुप सी ग्रुप डी का बहाली होता है, उसमें जो लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, जैसे कि STSC हो गए या फिर OBC हो गए, तो उनको आरक्षण दिया जाता है। लेकिन अगर आप जनरल में फॉर्म भर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी निकल कर आया है। जैसे कि मान लीजिए आप बाहर के निवासी हैं, आप कहीं दूसरे स्टेट से आकर बसे हैं और आप लगभग 10 साल तक यहाँ पर है, मौजूद है, तो आप यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अगर आप ST में आते हैं तो आपको ST का छूट मिलेगा, और अगर आप SC में आते हैं तो आपको SC का यहाँ पर आरक्षण मिलेगा। मतलब आपको यहाँ पर रेसिडेंशियल बनाने के लिए इजाज़त दे दिया गया, वो भी 10 साल के जितनी भी यहाँ पर कैंडिडेट होंगे जो झारखंड में अभी निवास कर रहे हैं, 10 साल तक के लोग को यहाँ पर सरकार के तरफ से मिल गया है छूट। तो 10 साल से जितने भी ऊपर की कैंडिडेट यहाँ पर होंगे, जिनका जाति आवासी नहीं बन पा रहा है, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी निकल कर आया है। वो लोग अब जाति आवासी बनवा सकते हैं। अगर वो ST कैटेगरी में आते हैं तो ST का जाति बनवा सकते हैं, अगर SC में कैटेगरी में आते हैं तो SC का जाति बना सकते हैं, अगर OBC में आते हैं तो OBC का बना सकते हैं, तो उनके लिए जो है सीट रिजर्व हो जाएगा। तो यही छोटा सा अपडेट निकाला गया झारखंड सरकार की तरफ से। अब ये जो प्रस्ताव है झारखंड सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है, और ये अपडेट JSSC के वेबसाइट में डाल दिया गया है, तो सभी लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और आप जब इसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा नियम देखने को मिल जाएगा। तो जो जनरल में आते हैं वो अब कैटेगरी में आने लगेंगे। मान लीजिए आप जनरल में फॉर्म अप्लाई करते हैं और 10 साल से आप झारखंड में हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड का निवासी बनाने के लिए कम से कम 10 साल का यहाँ पर रेसिडेंशियल आवास होना चाहिए। तो 10 साल से अगर आप होंगे तो आप अब
आरक्षण में आ जाएंगे, आपको आरक्षण दिया जाएगा, आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट बन जाएगा, जाति आवासीय आय सभी कुछ आपका यहाँ पर बन जाने वाला है। तो बहुत ही बड़ा अपडेट झारखंड सरकार की तरफ से निकल कर आया। अब देखिए इसमें नुकसान किसका है वो हम आपको बताते हैं। मैं आपको यहाँ पर फ़ायदा बता दिया हूँ कि जो 10 साल से ऊपर से रह रहे हैं उन लोगों को अब आरक्षण मिलेगा, वो लोग अब स्थानीय कहलाएंगे और उन लोगों का जो है सीट रिजर्व हो जाएगा। तो जो ST में आएंगे वो तो ST का सर्टिफिकेट ले ही लेंगे, और जो OBC में आएंगे 10 साल से ऊपर में हैं और उनका जाति नहीं बन रहा तो उनका अब जाति बन जाएगा, तो उनके लिए जो सीट है वो आपका रिजर्व हो गया है। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ जो यहाँ पर जन्म से रह रहे जो झारखंड के ही निवासी है उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अब जो है 10 साल से जितने भी ऊपर के कैंडिडेट हैं उन लोगों का यहाँ पर सर्टिफिकेट बन जाएगा, जाति आवासी बन जाएगा, जिस कारण उन लोगों का सीट जो है कट जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी झारखंड के निवासी है उन लोगों का सीट यहाँ पर कट जाएगा, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहाँ पर आरक्षण जो है बढ़ जाएगा। तो इस कारण से है झारखंड के निवासी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही झारखंड के निवासी लोग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और उनके लिए थोड़ा सा बुरी खबर है, और जो 10 साल से ऊपर से रह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा खबर निकल कर आया है झारखंड सरकार की तरफ से, उन लोगों को यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। तो यही छोटा सा अपडेट निकाला गया है, आशा करता हूँ आपको वीडियो में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिखेगा, आपका जो जाति आवासी बनाने का जो फॉर्म होता है उसका फॉर्मेट आपको दिखेगा। तो ये फॉर्मेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को भर के आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका भी जाति आवासी बन जाएगा, तो आप भी रिजर्वेशन में आ जाएंगे और आपका जो सीट है वो रिजर्व हो जाएगा। तो अब आपको जनरल में फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, जितने भी यहाँ पर 10 साल से निवास कर रहे हैं उन लोग अब कैटेगरी में आ जाएंगे, उन लोगों का अब यहाँ पर रिजर्व सीट हो जाएगा। तो यही छोटा सा अपडेट निकाला गया, आशा करता हूँ वीडियो में सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसी अपडेट आप रोजाना पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही अपडेट दूंगा, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, नमस्कार।